मुख्यालय बिहार शरीफ पहुंचे पटना प्रक्षेत्र के आईजी संजय सिंह ने कहा कि नालंदा में अब तक 6 कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। दुबई से आए युवक के संपर्क में जितने लोग आए उनकी सूची बना ली गई है। इसमें 138 लोगों के नमूने भेजे गए थे जिसमें 107 की रिपोर्ट निगेटिव आई है जबकि 31 लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में पाए जाने वाले कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति का ट्रैवल हिस्ट्री काफी लंबा है। नेपाल फारबिसगंज कटिहार बख्तियारपुर नालंदा शेखपुरा और मुंगेर ऐसे में इसके पूरे ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। 138 लोगों की लिस्ट बनी है, 138 में 31 को छोड़ के बाकी 107 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन नेगेटिव। एहतियात के तौर पर क्या सुरक्षा की व्यवस्था की है? एहतियात के तौर पर तो लॉकडाउन है और नालंदा पुलिस लोगों ने सख्त निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को हर आलम पर लागू करना है। और आम जनता से भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जब इतने दिन लॉकडाउन का पालन किया है तो आने वाले दिनों में भी पालन करके अपना सरकार को हम लोग को सहयोग करें। अच्छा है कि जल्दी हम लोग इस बीमारी पर। सर, जमात का जो मीटिंग हुआ था तो झारखंड के लिए कुछ शामिल हुए थे जी? अभी तक की जो बात आई है उसमें देखिए, ये जो जब बिहार झारखंड की जो मीटिंग होती है जमात की जो जुड़ा होते हैं उसमें हर 3 महीने में जैसा मुझे बताया गया है कि ये मीटिंग होती है और बिहार झारखंड के अलग अलग जगहों पर होती है। तो इस बार यहाँ पर हुई थी 14 और 15 मार्च को, सब जगह से पूरे राज्य से लोग आते हैं लेकिन उनमें से जितने लोग अभी तक जितने लोगों को चिन्हित किया गया है राज्य के विभिन्न जिलों में उनमें से कोई मामला नहीं पास नहीं है। मुंगेर और नवादा वाले मुंगेर का एक मामला है जो कि वो यहाँ भी आए थे, उसी का अनुसंधान चल रहा है। उसके पहले वो जो अभी बात प्रकाश पे आई है वो नेपाल भी गए थे, फारबिसगंज गए, कटिहार गए, बख्तियारपुर होते हुए यहाँ एक दिन के लिए आए थे। उसके बाद वो शेखपुरा में जैसा पता चल रहा है कि 10 दिन रुके, उसके पश्चात वो मुंगेर गए। उनकी जो जर्नी का पैटर्न है वो पिछले 2 महीने में काफ़ी लंबा है जिसमें से मात्र 1 दिन वो यहाँ पर आके रुके थे। तो ये एसेस कर पाना कि इस पूरे दौरान में किस जगह उनको ये संक्रमण आया ये कहना संभव नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? तभी जो अपील तो मैंने कर दी है, लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन को सहयोग दें। नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।